नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। मुरैना की कोतवाली पुलिस ने शराब की अवैध तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 4 पहिया वाहन जब्त करते हुए आरोपियों के पास से 12 पेटी देशी शराब बरामद की, जिसकी कीमत 40,000 रुपए बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अवैध शराब ग्वालियर से लाकर मुरैना में खपाई जानी थी, लेकिन इससे पहले ही तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस को खबर मिली थी कि ग्वालियर की तरफ से एक गाड़ी में अवैध शराब भरकर लाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने ASF ग्राउंड के पास नाकेबंदी कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया। सूचना मिली थी कि टोल की तरफ से एक गाड़ी निकली है जिसमें शराब संभावित है, जिसको घेराबंदी करके शहर के अंदर ASF ग्राउंड के पीछे गोपालपुरा की तरफ इसको पब्लिक की सहायता से पकड़ा गया। तो इसमें 12 पेटी शराब और 3 आरोपी मिले हैं, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कितनी कीमत और क्या कुछ पता चल पाया? 50,000 रुपये की कीमत होनी चाहिए शराब की, और गाड़ी नई है और संभावना लग रही है कि चोरी या लूट की हो सकती है गाड़ी, क्योंकि आमतौर पर तस्कर लोग इस तरह की गाड़ी का इस्तेमाल, नई गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ ये पता चल पा रहा है कि कहाँ से ला रहे हैं? ये अब विवेचना का विषय है, जो अब इन लोगों से पूछताछ की जाएगी। अभी तो तत्काल में ही पकड़ा है और इसके बाद पता लगाएंगे कि शराब ला रहे थे वो कहाँ के लिए सप्लाई कर रहे थे। मुरैना से गजेंद्र सिंह तोमर की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज आज।